आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ मैजिक के 4G सिम्बुलेट कैमरा से, जो कि काफ़ी बढ़िया इसकी वीडियो क्वालिटी है। इसके अंदर नाइट विज़न है और सबसे बड़ी बात ये ओल्ड सिम सपोर्टेड ये कैमरा है। कोई भी सिम लगाइए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी आपके पास है वो सिम लगाइए और कहीं भी इसे ईजिली यूज़ कीजिए। फील्ड में लगाइए, कहीं भी लगाइए, क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि वाईफाई की प्रॉब्लम होती है, पर इसमें वाईफाई का इशू होने ही नहीं वाला क्योंकि ये सिम से चलता है और काफ़ी बढ़िया है। आउटडोर कैमरा है, कोई भी बारिश, आंधी तूफान कुछ भी होने होगी तो कोई भी दिक्कत परेशानी इस पर नहीं हो पाने की। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या इसके साथ में देखने को मिलता है। तो तीन केबल्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक लैन केबल देखने को मिल जाती है, एक 12 वोल्ट का डीसी जैक और एक रीसेट बटन आपको इसका देखने को मिल जाता है अगर कैमरे में कुछ इशू हुआ तो। देन मैं आपको बता दूं तो साइड में दो एंटीनास देखने को मिल जाते हैं, जो इसकी ये एंटीना जो कि इसके नेटवर्क की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ तो इसके साइड में एक डिवाइस आईडी क्यूआर कोड देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करता है V380 ऐप जो इसका है उसको कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है। देन मैं और आपको बता दूँ तो सामने की तरफ आपको LEDs देखने को मिल जाती है, ये रही LEDs, जो कि 6 LEDs है, जो कि क्लियर नाइट विज़न दिखाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देन सामने की तरफ आपको 3 मेगापिक्सल का कैमरा इसका देखने को मिलता है और नीचे की तरफ सेंसर देखने को मिलता है। देन पीछे की तरफ आपको दिखा दूँ ये रहा, देन पीछे की तरफ आपको एक स्पीकर और एक माइक देखने को मिलता है, जो कि 2-way इंटरकॉम है इसके अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया इसकी वॉइस क्वालिटी भी है। पीछे की तरफ 2 स्क्रू होल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो इसके साथ स्टैंड मिलता है उसे माउंट करने में ईजिली रहता है। देन मैं आपको बता दूँ तो इसके पीछे ही सिम कार्ड स्लॉट, मेमोरी कार्ड स्लॉट और एक रीसेट बटन भी है। तो सिंपली मैं ओपन करके दिखा देता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। तो मैंने ये सारे स्क्रूज साइड में रखकर और मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा एक सिम कार्ड स्लॉट, एक मेमोरी कार्ड स्लॉट और एक रीसेट बटन। अप टू 128 GB तक मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हैं। देन ऑल सिम सपोर्टेड ये कैमरा है, कोई भी सिम लगाइए और इजीली यूज़ कीजिए। देन मैं आपको इसके अंदर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा कर दिखा देता हूँ। तो मैं इसको कवर करता हूँ और साइड में रखकर मैं आपको सिंपली, मेरे पास एयरटेल का सिम कार्ड है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास एक एयरटेल का सिम कार्ड है, जो कि ये रहा मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, इसका कवर हटाना है आपको और कुछ इस तरह से लगा देना है। देन ये रहा सिम कार्ड, जो कि मैं आपको लगा देख के दिखा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, आगे की तरफ पुश करना है और देन एक क्लिक की साउंड आएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर सिम कार्ड जो है वो इजिली सेट हो चुका है। देन मेरे पास एक ये रहा सैंडिक्स का 64 GB का मेमोरी कार्ड है, वो भी मैं आपको साथ के साथ लगा कर दिखा दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली ये तो 128 GB तक सपोर्ट करता है, पर मेरे पास अभी 64 GB है तो मैं लगा दे रहा हूँ इसके अंदर। देन मैं आपको इसको कवर करके और इसको अडेप्टर से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देन ये रहा अडेप्टर साइड में, तो मैं अडेप्टर से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मैंने अडेप्टर लगाया और देन आपको एक लाइट शो होगी यहाँ पे, इंडिकेटर लाइट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कैमरा जो है ऑन हो चुका है। तो मैं आपको इसको जो V380 ऐप है इसका, उससे आपको कॉन्फ़िगर करके तो सबसे पहले अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लीजिएगा। जब आप 4G कैमरा को V380 में कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, अगर 4G नहीं कर रहे तो वो चल जाता है आपका। तो V380 डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, क्लिक कीजिए ट्राई विद एन अकाउंट और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको ऊपर की तरफ एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और जो आपके डिवाइस आईडी है कैमरे की वो उसको आप स्कैन कर लीजिएगा। देन मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर कर रखा है तो मैं रिकॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा 4G स्मार्ट कैमरा। आपको 4G स्मार्ट कैमरा पे क्लिक करना है, दोबारा डिवाइस आईडी जो है स्कैन कर लेनी है, फिर कंफर्म कर लेना है अगर यही डिवाइस आईडी है तो, और जो हमारा कैमरा जो है वो लाइव हो चुका है। बहुत ही सिंपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। और आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और सेट पर पासवर्ड है इसका admin123। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका जो कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल लेटर होता है, जैसे ए है तो वो कैपिटल में आएगा। तो admin123 मैं दोनों में लिख कर और इन दोनों पासवर्ड को कन्फर्म कर दूँगा। और देखिए जो हमारा कैमरा है वो लाइव हो चुका है, बहुत ही बढ़िया इसकी वीडियो क्वालिटी है। देखिए जैसे 4G अदर कैमरा से काफ़ी बढ़िया इसकी वीडियो क्वालिटी, मैंने फुल स्क्रीन में आपको करके दिखा दिया। और देन मैं कैमरे को मूव करके दिखा देता हूँ इधर से उधर, देखिए जो कि बिल्कुल भी इसकी जो रिकॉर्डिंग है बढ़िया दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी लहक नहीं कर रहा किसी भी तरह से, तो काफ़ी बढ़िया। देन मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके ऐप में इसके फीचर्स मिल जाते हैं। तो अलार्म का सेटिंग्स मिल जाती है आपको इसके अंदर, 2-way इंटरकॉम है, बोल भी सकते हैं और आवाज़ इसकी सुन भी सकते हैं। देन नीचे की तरफ और इसके साइड में आप 4 कैमरास तक आप इसके अंदर
कर सकते हैं। देन नीचे की तरफ आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा और जो भी वीडियो फोटो आपने क्लिक की वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके साइड में आपको मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके अंदर इन्वर्जन, लाइट कंट्रोल, इमेज सेटिंग मिल जाएगी। लाइट्स आप ऐप के अंदर से ही ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑन करके दिखाई, और बंद भी कर सकते हैं। और मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं तो आप यहां से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड का ऑप्शन है नीचे ये रहा, और यहां से ही आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ऊपर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट दिख रही होगी, देन यहां से ही बंद कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूं तो आप इसके अंदर इन्वर्जन भी है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और इमेज सेटिंग भी है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। देन ये सब फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और एक और फीचर्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर दो फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, SD और HD। आप HD में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और HD में भी। तो ये सब फीचर्स आपको इसके ऐप के अंदर जब आप 4G कैमरा को 4G बुलेट को ऐप से कॉन्फ़िगर करें ये सब मिल जाता है। तो अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ मैं इसकी। तो ये रहा हमारा बॉक्स जो कि वाइट एंड रेड कलर में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देन मैं आपको सिंपली ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा जो कि इसकी ऐप है V380। ऑल इंस्ट्रक्शंस जो आपको इसके अंदर देखने को मिले पढ़ लीजिएगा। देन स्क्रूज के पैकेट्स मिल जाते हैं जो आप इसको वॉल माउंट करेंगे आपको यूज़फुल रहेंगे। देन आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाएगा, ये रहा अडेप्टर ब्लैक कलर में। और आपको ये रहा हमारा कैमरा जो कि मैजिक का 4G सिम्बुलेट कैमरा है वो, जो कि पॉलीथीन से कवर है। और मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। और एक स्टैंड आपको देखने को मिलेगा जो कि ये रहा, आप इस तरह से स्क्रू लगाना है सिंपली, कुछ जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्क्रू आप ऐसे लगाइए, मूव कीजिए, और आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं वॉल पर। काफ़ी बढ़िया ये कैमरा है। देन ये सब चीज़ आपको इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं, स्टैंड, स्क्रूज, अडेप्टर, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। देन काफ़ी बढ़िया था ये 4G सिम्बुलेट कैमरा, मैजिक का 4G सिम्बुलेट कैमरा। वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।